हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वर्किंग ऑफ पुट्स फंक्शन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पुट्स का फंक्शन हम लोग अपनी कोडिंग में, अपनी प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज करते हैं, स्पेशली सी में और सी प्लस प्लस में, और देखेंगे कि ये क्या काम परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि हमें ये बताता है कि जो पुट्स फंक्शन है ये हमारे पास एक आउटपुट स्टेटमेंट है, यानी एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास कोई भी आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल, अब मैंने अपने मॉनिटर पर, ये हमारा जो मॉनिटर है उसके ऊपर मैं कोई चीज को डिस्प्ले कराना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास जो है मैं पुट्स फंक्शन को यूज कर सकता हूं। स्टूडेंट्स, पुट्स फंक्शन जो है हमारे पास यूज किया जाता है टू प्रिंट अ स्ट्रिंग, यानी मैं कोई भी अगर स्ट्रिंग का स्टूडेंट्स आपको याद होगा ये हमारे पास कैरेक्टर्स की एक एरे होती है, तो अगर मैं कोई भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स को जो हूँ प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपनी मॉनिटर के ऊपर, तो उसके लिए मैं पुट्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पुट्स फंक्शन को यूज करने के लिहाज से उसके सिंटेक्स की बात करें, यानी ये लिखा किस तरह जाता है और इसको लिखते वक्त हमने किन असूलों को जहन में रखना होता है, तो वो कुछ इस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग पुट्स का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद वो स्ट्रिंग का नाम लिखते हैं यहाँ पर, जो स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग उसका वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं और उसके अलावा अगर हम लोग खुद कोई स्ट्रिंग इनपुट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ एक ये होता है कि जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हम लोग कोई इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाते, लेकिन अगर मैं खुद स्ट्रिंग लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, तो उसके इर्द गिर्द जो है मुझे इन्वर्टेड कोमास लगाने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए इसी के साथ अपने डेव सी प्लस प्लस की विंडोज ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग पुट्स फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइम आप लोग डेव सी प्लस प्लस की विंडोज देख सकते हैं जिसके हम लोग मेन फंक्शन के अंदर मौजूद हैं। स्टूडेंट, यहां पर मैंने एक करेक्टर स्ट्रिंग जो है बनाई हुई है जिसका मैंने नाम रखा है ग्रीटिंग्स, और उसके अंदर जो मैंने मैसेज या जो मैंने स्ट्रिंग सेव की है वो है हेलो। ये हमने सिंपल एक स्ट्रिंग वेरिएबल को जो है डिक्लेयर किया है। अब स्टूडेंट, हम लोग इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं पुट स्टेटमेंट की मदद से, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पुट्स का कीवर्ड यूज करेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिख देंगे, और हमारे वेरिएबल का नाम है यहां पर आप लोग देख सकते हैं ग्रीटिंग्स, और यहां पर हम लोग ये ग्रीटिंग्स को लिख देंगे। साथ इसके हम लोग सेमी कॉलन लगाकर इसको एंड करेंगे, और इसी के साथ अगर मैं इसको कंट्रोल एस दबा के सेव करूं और एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करूं, तो हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी जिसपे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रीटिंग की हमारी स्ट्रिंग थी जिसके अंदर हमने हेलो जो था वो सेव किया हुआ था, वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। अब स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और इसी पुट्स फंक्शन को जरा डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया था कि हम लोग वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी यहां पर लिख सकते हैं, तो हम लोग वो वाला काम भी करके देख लेते हैं कि मैंने इसको यहां से अपना जो मैंने वेरिएबल या जो स्ट्रिंग इनिशियलाइज करवाई हुई थी उसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं सिंपल एक मैसेज लिख देता हूं जिसको मैं इन्वर्टेड कोमास में लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं सेव करता हूं कंट्रोल एस के साथ और एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करता हूं, तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि मेरे पास हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग जो है प्रिंट होकर आ गई है। स्टूडेंट, यहां पर एक बात आपने नोट करनी है पुट्स फंक्शन से मुताबिक कि जिस तरह हमने देखा था कि प्रिंट एफ फंक्शन, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट करवाने के लिए, और जब भी हमने प्रिंट एफ यूज करना होता है तो हम लोग इंक्लूड stdio.h यूज करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी पुट्स फंक्शन यूज करते वक्त भी हमने ये हेडर फाइल या ये लाइब्रेरी फाइल को यूज करना लाजमी है, यानी इसको इंक्लूड करना लाजमी है क्योंकि ये फंक्शन जो है इसी के अंदर मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग एक अपना पॉइंट नोट कर लेते हैं कि ये जो हमारा पुट्स फंक्शन है ये हमारे पास अवेलेबल होता है stdio.h के अंदर। अब स्टूडेंट, यहां पर हमने जिक्र किया प्रिंट एफ फंक्शन का और पुट्स फंक्शन का, तो स्टूडेंट जब हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल था तो हमें पुट्स फंक्शन की क्यों और कहां पर जरूरत पड़ती है, तो आइए हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग एक मेन फंक्शन के अंदर मौजूद हैं जिसमें पहले की तरह हमने एक स्ट्रिंग जो है इनिशियलाइज करवाई हुई है जिसका नाम हमने रखा है ग्रीटिंग्स। अब स्टूडेंट, इसको हम लोग पहले प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ की मदद से और फिर पुट्स की मदद से, और दोनों में फर्क देखते हैं। तो जब मैं प्रिंट एफ की मदद से करवाऊंगा तो सबसे पहले मुझे इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ेगी परसेंटेज एस को यूज करके, उसके बाद कोमा लगाकर मुझे इसका नाम लिखना पड़ेगा जो कि इसके वेरिएबल का नाम था, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा, और इसको अगर हम लोग स्टूडेंट रन करें कंपाइल एंड रन करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हेलो की जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आपने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली बताया है उसकी डाटा टाइप को, लेकिन जब भी मैं पुट्स फंक्शन की मदद से इसको प्रिंट करता हूँ तो मैंने ये डाटा टाइप बताना नहीं है, यानी मैं यहाँ पर सिंपल अपने वेरिएबल्स का नाम लिख दूंगा तो वो मेरे पास उस जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह के अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर परसेंटेज एस नहीं यूज किया, और इसको मैं अब अगर एग्जीक्यूट में जाकर कंपाइल एंड रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास वही चीज प्रिंट हो गई है, लेकिन यहाँ पर मुझे काम अब कम करना पड़ा, यानी मुझे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा कि मैं परसेंटेज एस यानी कि स्ट्रिंग वेरिएबल यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये बात ऑलरेडी डिफाइंड है पुट्स कीवर्ड के थ्रू कि जब भी हम लोग पुट्स यूज करेंगे तो हम लोग जो है किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे होंगे, जिस तरह हमने यहां पे देखा था कि यूज होता है एक स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि पुट्स हमारे पास एक ऐसी आउटपुट फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है। फर्दर स्टूडेंट्स, हमने उसका सिंटेक्स देखा और देखा कि हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करके और इटसेल्फ स्ट्रिंग को यूज करके कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये पुट्स फंक्शन जो है हमारे पास अवेलेबल कहाँ पे होता है, यानी stdio.h की लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। और फिर हमने कंपेयर किया स्टूडेंट्स प्रिंट एफ और पुट्स फंक्शन को। थैंक यू स्टूडेंट्स।